सड़कों पर उतरे हैं, जैसे आप रैलियां कर रहे हैं वैसे हम नेताओं के इंटरव्यूज कर रहे हैं, और कार में सरकार, जहां पर आपसे होंगे बहुत सारे सवाल, तो आप तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले तो 29 सीटें मध्य प्रदेश की, जी पिछली बार एक रह गई थी, चूक गए थे। आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि इस बार एक नहीं सबकी सब चूके हैं, सबकी सब चूक जाएंगे आप। कौन कह रहा है जरा बताए ना, हम तो बताइए का देखा, वो खुद कह रहे हैं, हम तो 12 के उम्मीद कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। और आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया, गठबंधन में उनने खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दी, 28 कांग्रेस ने ली। समाजवादी पार्टी ने पहले अपना प्रत्याशी हटाया तो खजुराहो खाली कर दी, दूसरा आपने देखा ही होगा इंदौर में उनने अपना प्रत्याशी हटा लिया, तो कौन जीतेगा किसको जीतेगा, प्रत्याशी जो लड़ने के पहले से हटाने चाह रहे हैं, तो रिजल्ट तो अपने आप आ गया। नहीं, इंदौर में तो आपसे आपके लिए कहा जा रहा है आप डरा धमका रहे हैं, ऐसा होता है क्या? आपने इंदौर ऐसा होता है क्या? कोई कांग्रेस का प्रत्याशी टिकट जिनको देते हैं उससे पूछोगे नहीं, वो लड़ना नहीं चाहता, इसके लिए हम क्या करेंगे? नहीं, लेकिन विपक्ष कहता है हमारे पास सबसे बड़ा वोट बैंक है, पिछड़ा हमारे साथ है। ये जो एक विपक्ष की ये धुरियां उड़ रही है, ये समीकरण उनका सबसे ऐसा है। MY तो मेरे साथ है, मोहन यादव, वो MY और उससे बड़ा क्या मैं खुद मोहन यादव हूँ ना, तो आप तो मैं इसको नहीं मानता, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि जो ये दायरे में लेके चल रहे थे जातियों की पर्टिकुलर कास्ट के आधार पर टिकट देने की, वो उनके मुंह की खाई। और इस तरह से ये जो हमारा राष्ट्रीय एजेंडा माननीय मोदी जी ने कहा है कि मूलतः देश के हर नागरिक को हर जगह लड़के आने के लिए भाजपा वो माहौल बना रही है, और भाजपा ने सबका विश्वास जीता है। और लगातार 10 साल में आप देखिए ना, द्रौपदी मुर्मू जी क्यों कोई दलित को या ST व्यक्ति को उनने मौका नहीं दिया राष्ट्रपति का, ये गलती तो कांग्रेस ने की है ना, उनके साथ के सारे लोगों ने की, एक नहीं दो नहीं लगातार, ये केवल परिवार बात की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक एक परिवार से ही चाहिए। मैं चाहूंगी कि आप जरूर तो अब आप गाड़ी में सवार हो चुके हैं जी। कांग्रेस आप पर ये आरोप लगा रही है कि अगर आप लोग आए तो आप संविधान को खत्म कर देंगे, बदल कर रख देंगे। संविधान को जितनी बार कांग्रेस ने बदला है उतना तो कोई सोच ही नहीं सकता है, कदम कदम पे संविधान की आत्मा की एक तरह से हत्या कर दी कांग्रेस ने। बताइए, इंदिरा गांधी जी चुनाव हारी और उनने अमेंडमेंट करके आपातकाल लगा दिया, ये किसने किया? कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने हमेशा 71 से लेकर के 70 इतने संविधान संशोधन कांग्रेस ने किए हैं कि कांग्रेस का संविधान में कोई विश्वास ही नहीं, वो अपने मतलब के लिए बात क्या कहते हैं कराते क्या है। कल संविधान की कापी लेके राहुल गांधी घूम रहे हैं, लेकिन वो मूल बाबा साहब का संविधान नहीं है जिस पर बाबा साहब के हस्ताक्षर है, संविधान समिति के हस्ताक्षर है, उसकी संविधान की मूल प्रति को भी बदलने का काम अगर कोई कर रही है कांग्रेस कर रही है। आप CM आवास में इस वक्त मौजूद है, गाड़ी हमारी रुक गई है, सुना है अगल बगल में ही आपका बेटा कहीं PG में रहता है, हॉस्टल में रहता है। तो वो कभी CM आवास में नहीं, ऐसे कोई बंदिश नहीं, लेकिन मैंने कहा बेटा आप अपने अपनी जगह पढ़ो, मेरी पहले बेटी भी पढ़ के गई यहाँ से, हॉस्टल से ही पढ़ी, जब मैं शिक्षा मंत्री था, टूरिज्म चेयरमैन था, तो बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनका ध्यान पढ़ाई में लगना चाहिए। हमारा ये राजनीतिक उठापटक की जगह पर आने से उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी, और अनावश्यक हर एक का अपना भाग्य, वो अपना पहला करियर बनाए उसके बाद उनको लगेगा तो देखेंगे जो होगा, नहीं तो डॉक्टरी करेंगे। बढ़िया, मेरी बेटी कर ही रही दामाद के साथ डॉक्टरी, बच्चा भी करेगा। अभी तो आप सर्जन बने हुए हैं। नहीं, मैं सर्जन नहीं बना, मैं तो विसर्जन कर रहा हूँ कांग्रेस का। ये बड़ी बात कह गए हैं, मैं सर्जन नहीं, मैं विसर्जन कर रहा हूँ यहाँ पर कांग्रेस का। कांग्रेस की मानसिकता का विसर्जन जरूरी है, कांग्रेस का विसर्जन जरूरी, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी सड़ी गली व्यवस्थाओं के आधार पर पार्टी को ऐसी बुरी स्थिति में खड़ा कर दिया कि पार्टी के लोग रोज छोड़ करके भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे यहाँ लगभग 2.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं।
देखिए आपने कार्यकर्ताओं को तो यहाँ ला दिया है पार्टी में, वोटर को लाते हैं कि नहीं ये 4 जून को डिसाइड होगा, उसके लिए खूब सारे आपको शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद मोहन यादव जी हमारे साथ विराजने के लिए इस गाड़ी में, और आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं, फिर मुलाकात होगी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप आइए, बिल्कुल मिठाई खिलाएंगे हम अपने 29 की 29 लोकसभा सीट जीत करके। शुक्रिया, धन्यवाद।